hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i am back with another video so today's video is about the income from salary practical question so in the previous lecture we have covered about the uh, theoretical base of the chapter income from salary which is one of the important head from the five heads of income

क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे पहले तो क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट करना है आपको टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर अनुज फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड ही इज वर्किंग विद मैसर्स एबीसी लिमिटेड तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मिस्टर अनुज है वो जिस कंपनी में काम कर रहा है तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है बिकॉज उसी के ऊपर आपके एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन रहेगा तो अगर हम देखें तो एबीसी लिमिटेड जो है एबीसी लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द क्वेश्चन वेदर द क्वेश्चन सेज अबाउट अ पब्लिक कंपनी विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी इफ यू सी द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद अ प्राइवेट कंपनी फिर हम आगे बढ़ेंगे तो उसको बेसिक सैलरी मिल रही है बेसिक सैलरी ही इज गेटिंग ट्वेंटी गे फाइव थाउजेंड पर मंथ डियर एस अलाउंस उसे मिल रहा है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ देन उसे मिल रहा है बाकी के भी बहुत सारे अलाउंसेस है एच दिया है फाइव हंड्रेड पर मंथ और तीन हजार पर मंथ का पॉइंट ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है आपको आठ सौ रुपया पर मंथ सिक्सटीन हंड्रेड पर मंथ यहाँ पे एग्जेप्ट है यहाँ पे अमाउंट दिया है बोनस दिया है एरियर्स दिया है ऐसे आपके क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में देखने मिलेंगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में है तो हमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर कैलकुलेशन हमें सिर्फ क्वेश्चन वाइज प्रेजेंट करते जाना है तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर में लेके चलता हूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है ध्यान से समझना ठीक है सबसे पहला पॉइंट बिफोर वी सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ सैलरी या एनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और अदर चैप्टर्स तो सबसे पहले आपको क्या करना है नेम ऑफ दी एस एस लिखना है ठीक है इतना पार्ट जो है ना इतना पार्ट हर क्वेश्चन में आपका सेम आएगा दिस विल बी सेम इन एवरी ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नेम ऑफ दी एस एस सी दैट इज मिस्टर अनुज वर्स्� लीगल स्टेटस इंडिविजुअल आपको हमेशा इंडिविजुअल लिखना है असेसमेंट ईयर 2020-21 ट्वेंटी ट्वेंटी अवर असेसमेंट ईयर इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड अवर प्रीवियस ईयर इज नाइनटीन ट्वेंटी देन द रेजिडेंशियल स्टेटस विल बी आर ओ आर हमेशा आपको यहाँ पे आर ओ आर ही लिखना है पैन नंबर मैंने डैश कर दिया है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ठीक है तो अभी देखो इसका टेक्निक क्या है अगर आपको क्वेश्चन में पर मंथ दिया होगा तो आपको मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व करना है और अगर आपको पर पर एनम दिया है मतलब पूरे साल का दिया है तो कोई चीज़ आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है तो सबसे पहले हम हमें क्या करना है बेसिक सैलरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ दिया था तो मैंने क्या किया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व कर दिया तो आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है पर्टिकुलर्स और अमाउंट के दो कॉलम्स बनाने हैं तो बेसिक सैलरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेल्व अगर हम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा हमें आंसर मिलेगा थ्री लाख रूपीज ठीक है तो जो जो पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में है वो सारे एक एक करके हमको लिखते जाना है अगला पॉइंट है हमारा डियरनेस अलाउंस तो डियरनेस अलाउंस हमें दिया था टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को मैंने ट्वेल्व से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिल गया थर्टी थाउजेंड ठीक है फर्दर आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट पॉइंट इज एच आर एच आर ए का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको जब हमने एग्जामिशन पढ़े थे एच का फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंस ठीक है एच आर एज वॉट एच आर ए इज हाउस रेंट अलाउंस तो ये एग्जेम्ट होता है सेक्शन टेन थर्टीन ए के सेक्शन में तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन टेन थर्टीन ए में अभी क्वेश्चन में आपको दिया था कि एच है थ्री थाउजेंड पर मंथ और एग्जेप्ट भी आपको दिया है फाइव हंड्रेड पर मंथ तो देखो यही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो हमें सीखना है तो थ्री थाउजेंड इंटू ट्वेल्व किया मैंने मुझे आंसर मिल गया थर्टी सिक्स थाउजेंड फिर लेस एग्जेप्ट करना है अंडर सेक्शन टेन थर्टीन ए देखो कितना एग्जेप दिया था आपके क्वेश्चन में फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व तो पाँच सौ इंटू ट्वेल्व करना है तो आपको मिल जाएगा सिक्स थाउजेंड अगर हम थर्टी सिक्स थाउजेंड में से सिक्स थाउजेंड को लेस करेंगे माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा थर्टी थाउजेंड जो मैंने यहाँ पे आउटर कॉलम में ऑलरेडी लिख दिया है सिमिलरली अगले अलाउंस में जाते हैं अगला अलाउंस है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस तो ट्रैवलिंग अलाउंस में भी आपको सिमिलर पॉइंट्स दिए हैं सिर्फ नंबर का फर्क या अमाउंट ही डिफरेंस है 1600 हंड्रेड इंटू करेंगे तो 19,200 आएगा तो 1600 आपके क्वेश्चन में ही दिया है इंटू ट्वेल्व किया तो 19,200 लेस एग्जेप्ट किया एग्जेप्ट दिया है आपको क्वेश्चन में आठ पर मंथ तो आठ सौ दैट विल be नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज दी पॉइंट तो नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अगर हम सिमिलर कैलकुलेशन अगर हम क्या करेंगे नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड में से नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड को लेस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा दैट विल बी अवर आउटर कॉलम आंसर नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है फिर अगले पॉइंट में जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोनस तो बोनस वाला कैलकुलेशन बोनस आपको पूरे साल का दिया जाता है तो बोनस आपको डायरेक्टली दिया था पूरे साल का मल्टीप्लाई नहीं करना है जहाँ पे पर मंथ दिया होगा वहीं पे मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे डायरेक्टली दिया है वहाँ पे डायरेक्ट लिखना है तो बोनस वॉज ट्वेंटी थाउजेंड तो मैंने ट्वेंटी थाउजेंड डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया है द नेक्स्ट पॉइंट इज एरियर्स ऑफ सैलरी तो एरियर्स ऑफ सैलरी इज ऑल्सो टैक्सेबल डायरेक्टली इन द सेकेंड कॉलम अमाउंट इज फिफ्टीन फिर एडवांस सैलरी दिया है एडवांस सैलरी इज टेन तो डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन रिमेंबर दिस इज द पॉइंट कॉल्ड एज परक्विजिट क्या इसे बोलेंगे हम परक्विजिट परक्विजिट जो है सेक्शन सेवेंटीन सबसेक्शन टू के अंदर कवर होता है हमने लास्ट टाइम जब थियोरी पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर अगर आपने थियरी का लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देख लो उसमें काफी सारी चीज़ें हैं जो आपको सैलरी सॉल्व करते हैं वह काफ़ी हेल्प होने वाली है तो परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है परक्विजिट्स का मतलब होता है एनी एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ जो अपना एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसे हम टैक्स में परक्विजिट्स के नाम से जानते हैं जो सेक्शन 17 सब सेक्शन टू में कवर होता है ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयीज़ को देता है दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू फ्री एकोमोडेशन उसकी वैल्यू आपको दे दी थी उसकी वैल्यू आपको दी है फिफ्टीन जो मैंने आउटर में लिख दी नेक्स्ट इज एक्सग्रेशिया एक्सग्रेशिया इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बेनिफिट ये भी बेनिफिट ही होती है तो ये भी टैक्सेबल है टेन थाउजेंड यहाँ पे लिख दिया फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस ठीक है अब मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बाकी सारी चीजें अगर हम देखें तो बाकी सारी चीजों को डायरेक्ट मैंने लिख दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए ध्यान से पढ़े जो क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस ये जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है इसमें दिया है ब्रैकेट में एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड हंड्रेड पर मंथ और आपको आउटर कॉलम में दिया है एट हंड्रेड पर मंथ तो रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी आप एंटरटेनमेंट अलाउंस को सॉल्व करोगे तो रूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो तो भी आपके एक्चुअल एक्सपेंसिस पेड करके दिए होंगे दैट शुड नॉट बी कंसिडर वो हमें इग्नोर करने हैं दैट शुड बी इग्नोर मतलब ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए हैं यहाँ पे ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हैं हंड्रेड रुपीज पर मंथ ये हम कंसिडर नहीं करेंगे हम सिर्फ आठ सौ रुपया पर मंथ ही कंसिडर करने वाले हैं ध्यान रखना लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है उसका डिडक्शन भी मिलता है अभी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाता है सर डिडक्शन मतलब क्या होता है डिडक्शन मतलब हम ग्रॉस सैलरी के बाद काउंट करते हैं तो अगर ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो ये कौन है ये इस क्वेश्चन में प्राइवेट वाला पर्सन है एबीसी में अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको ग्रॉस सैलरी के पहले जितने पॉइंट्स लिखोगे वहां लिखना है और अगर ये बंदा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा मैं अगले सेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर करवाऊंगा आपको अगर ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रहा तो ग्रॉस सैलरी के ऊपर भी हम लिखेंगे और ये जो नीचे आपको पॉइंट दिख रहा है पॉइंट नंबर टू में यहाँ पे भी हमें प्रेजेंट करना पड़ता है उसके लिए स्पेसिफिक रूल है तो मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करवाऊँगा लेकिन ध्यान रखना अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा तो ही उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है अगर प्राइवेट एम्प्लॉय रहा तो उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता वो आपको ध्यान रखना है तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया एट हंड्रेड 12 करके आउटर कॉलम में लिखा 9600 अब जितनी चीज़ें आप ये ऊपर लिखोगे जितनी चीज़ें इन सभी को हमें क्या करना है इन सभी को हमें ऐड करना है जो जो ये सभी पॉइंट्स थे ये सभी पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया तो वी गॉट द आंसर फोर लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड उसे हमें नाम देना है दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस सैलरी तो उसे हम क्या कहेंगे बेसिक सैलरी के साथ जितने भी आपके अलाउंसेस होंगे वो सभी चीजों को अगर हम ऐड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ग्रॉस सैलरी ठीक है ग्रॉस सैलरी मिलने के बाद आपको क्या करना है ग्रॉस सैलरी मिलने के बाद आपको लेस करना है डिडक्शंस अंडर सेक्शन सिक्सटीन ये फॉर्मेट ध्यान रखना ऐसे ही हम बाकी के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर वॉट एवर पॉइंट आर गिवन इन द क्वेश्चन जस्ट प्रेजेंट इन अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट टेक द टोटल the answer will be gross salary after gross salary we will deduct the deductions under section 16 sabse pehle hai standard deduction under section 16 abhi iska rule tha agar aapko dhyan hai theory padha hoga to rule kya hai rule hai gross salary lena hai gross salary or 50000 whichever is less मतलब आपको check करना है एक बार क्वेश्चन में कि ग्रॉस सैलरी की अमाउंट कितनी है तो अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रॉस सैलरी की अमाउंट कितनी है ग्रॉस सैलरी की अमाउंट है फोर लाख फोर्टी नाइन फोर हंड्रेड तो ग्रॉस सैलरी मेरी हो गई फोर लाख फोर्टी नाइन टू हंड्रेड और पचास हज़ार की लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दी है कि मैक्सिमम आपको फिफ्टी थाउजेंड तक ही डिडक्शन मिल जाएगा तो ग्रॉस सैलरी फोर लैक फोर्टी नाइन टू हंड्रेड है फिफ्टी थाउजेंड की लिमिट है इन दोनों को कंपेयर करो विच एवर इज़ लेस तो फिफ्टी थाउजेंड ही छोटा रहेगा ना ग्रॉस सैलरी से तो फिफ्टी स्मॉलेस्ट अमाउंट है जिसको मैंने आउटर कॉलम में लिखा लेकिन आपको ध्यान रखना है जो चीज़ हम माइनस करने वाले हैं उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में था तो सही है एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे नील क्यूँ ले लिया यहाँ पे नील क्यूँ ले लिया बिकॉज ये कौन सा एम्प्लॉय है प्राइवेट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रहा तो ही एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है प्राइवेट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता है ऊपर तो आपको लिखना ही है ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो प्राइवेट एम्प्लॉय हो ग्रॉस सैलरी के पहले आपको सभी चीजें लिखनी है देन आपको क्वेश्चन में दिया था प्रोफेशन टैक्स ये सभी लोगों को डिडक्ट होता है सभी के सैलरी में से डिडक्ट होगा प्रोफेशन टैक्स अंडर सेक्शन सिक्सटीन थ्री एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर एनम तो हमें अभी क्या करना है ये फोर लैख फोर्टी नाइन टू हंड्रेड में से ये दोनों चीजें जो है दिस वन एंड दिस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये माइनस करना है अगर हम फोर लाख फोर्टी नाइन टू हंड्रेड में से फिफ्टी थाउजेंड एंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा फाइनल आंसर इज थ्री लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड दैट इज कॉल्ड एज योर इनकम फ्रॉम सैलरी ओके दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ये है पहला क्वेश्चन अभी मैं क्या करने वाला हूँ जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको सॉल्व करवाया है तो आपके पास तो क्वेश्चन नहीं है तो आप बोलेंगे सर हमारे पास तो क्वेश्चन नहीं है आप फटाफट फटाफट सॉल्व करवा रहे हो हमें क्वेश्चन भी चाहिए तो मैं आप सभी को क्वेश्चन भी सेंड करने वाला हूँ एक बार ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर इसका पी बना के मैं आपको सेंड करूँगा उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है सबसे पहले टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको प्रेस करना है ताकि आप सीधा टेलीग्राम के चैनल में ऐड हो जाओगे और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पे काफ़ी सारे ये जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए वो तो है ही है उसके साथ आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका कोई चार्ज नहीं है तो आपको वो चैनल को ज्वाइन करना है इतना ही आपको करना है और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनको भी ये लॉकडाउन के सिचुएशन में उनका पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू होते रहे ठीक है चलो अगले बार मिलेंगे फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन इफ यू रियली लाइक इट शेयर इट एंड लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो टिल देन एज ऑलवेज़ वर्क हार्डर बी स्मार्टर